हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में फिर से आपका स्वागत है। हमारा पहला सेंटेंस है, वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। वह मेरा दूर का रिश्तेदार है, इसको बोलेंगे ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। सेंटेंस नंबर टू, मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है, इसको बोलेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। सेंटेंस नंबर थ्री, तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी, इसको बोलेंगे विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। सेंटेंस नंबर फोर, तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, इसको बोलेंगे विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट। Which song do you like the most? Number 5. मेरे पिता को अपना काम पूरा करना है, इसको बोलेंगे My father has to complete his work. My father has to complete his work. Number 6. मेरी माताजी को खाना बनाना है, इसको बोलेंगे My mother has to cook the food. My mother has to cook the food. Number 7. तुमने सुमन को कब देखा, तुमने सुमन को कब देखा, इसको बोलेंगे When did you see सुमन। When did you see सुमन। सेंटेंस नंबर 8, वह कब पढ़ता है, इसको बोलेंगे When does he study। When does he study। नंबर 9, मैं आपको कल फ़ोन करूंगा, इसको बोलेंगे I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. Number 10. इस बात को अपने तक ही रखना, इसको बोलेंगे Keep it up to yourself. Keep it up to yourself. Sentence number 11. अमित को यहाँ आना है, इसको बोलेंगे Amit has to come here. Amit has to come here. सेंटेंस नंबर 12, मुझे अपने कपड़े धोने हैं, इसको बोलेंगे आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स। आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स। सेंटेंस नंबर 13, आपका भाई कहाँ काम करता है, वेयर डज योर ब्रदर वर्क। वेयर डज योर ब्रदर वर्क। आपने ये पुस्तक कहाँ से ली, वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। क्या झगड़ा है, What is the conflict? तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो, Why do you talk such nonsense?